हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रविंद्र दहिया एंड यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस एंड आवर टुडेज कंसेप्ट इज फॉर नाइन्थ क्लास एंड बुक नेम इज मोमेंट एंड द चैप्टर वन द लॉस्ट साइन। बेसिकली आज मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताऊंगा और आपको समरी को समझना है। एक बार में अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आती है तो आप इसको दो या तीन बार भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा आपसे और जब क्वेश्चंस को डिस्कस हम लोग करेंगे तो आपको उनके आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो बताऊंगा आपको मैं कि कैसे किन किन क्वेश्चंस को यहाँ से आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है लॉस्ट चाइल्ड की स्टोरी। तो गाइस, चैप्टर के अंदर नाम आप चैप्टर का देख लीजिए, द लॉस्ट चाइल्ड, इट मींस देयर इज समवन हु हैज बीन लॉस्ट। इनकी कोई ना कोई होगा इस कहानी के अंदर ऐसा चाइल्ड जो कि कहानी में लॉस्ट हुआ हो, ऐसा हम लोग गैस कर सकते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। एंड लेट्स बिगिन द समरी ऑफ द चैप्टर। एंड बिफोर बिगिनिंग, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी नाइन्थ क्लास में है, और जो भी स्टूडेंट्स इसको ग्रुप में देख रहे हैं वो दूसरे ग्रुप्स में इसको शेयर कर सकते हैं अगर उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है वो उनको ऐसी वीडियो नहीं मिलती है तो। ओके, तो लॉस्ट चाइल्ड बेसिकली एक फेयर के ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो बेस करती है। मेला है, उस मेले के ऊपर की पूरी कहानी चलती है। क्या है उसमें ऐसा स्पेशल जिसके ऊपर ये कहानी जो है वो शूट करनी पड़ी, चलिए बिगिन करते हैं। तो एक चाइल्ड है और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ, बेसिकली पेरेंट्स यानी कि फादर और मदर के साथ जो है वो फेयर देखने जाते हैं। तो सबसे पहले तो कहानी जब स्टार्ट होती है तो बुल्लक्स वगैरह का सीन दिखाया गया कि कैसे बैलगाड़ियों में लोग बैठ करके मेले में जाते हैं। चूंकि कहानी काफ़ी ओल्ड टाइम में शूट करी गई है या कभी बड़े पुराने समय का ये सीन है, तो उस ज़माने में बैलगाड़ियों से लोग जो है वो ट्रैवल किया करते थे। उसके बाद उसका थोड़ा सा अट्रैक्शन बनता है, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें उसको ऐसी दिखाई देती हैं जिनको देख करके वो अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो फील्ड्स हो सकते हैं, वो फ्लावर्स हो सकते हैं, वो बटरफ्लाईज हैं या दूसरे बहुत सारे खेतों को देख करके जो है वो अट्रैक्ट होता है। कि क्योंकि बच्चे जो है वो इसमें दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा बार वो घर के बाहर ट्रैवल नहीं करता है शायद। उसके बाद जब वो फेयर में एंट्री करते हैं तो जैसे ही वो गेट से एंट्री करते हैं तो उसको बहुत सारी जो है स्वीट शॉप्स दिखाई देती हैं, मिठाइयाँ जो है उसको दिखाई देती हैं, उसकी स्मेल खुशबू उसको फ्रेग्रेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसके बाद स्वीट्स जब से जब वो अट्रैक्ट होता है, स्वीट्स के बाद वो बहुत सारे गार्लैंड ऑफ फ्लावर देखता है, उसको बहुत सारी मालाएं फूलों की जो है वो दिखाई पड़ती हैं जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। और वो कोशिश करता है अपने पेरेंट्स से कि वो उसको दे परचेज दोज थिंग्स फॉर हिम, कि वो उसके लिए उन चीज़ों को खरीदे। लेकिन होता क्या है कहानी में, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो फादर है बेसिकली, वो उसको जो है वो थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, आंखों से उसको आंखें दिखाते हैं, उसको जो है वो धमकाने का प्रयास करते हैं कि ये चीज़ें हम आपको नहीं दिलवाएंगे, दीज आर वेस्टेज ऑफ मनी। तो ऐसे करके वो मेले में आगे बढ़ते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। तो बहुत सारी टॉय शॉप्स उसको दिखाई देती हैं, बलून्स उसको दिखाई देते हैं, लेकिन वो उनको मांगता नहीं है। ध्यान देंगे, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। अब उसका मन करता है कि वो चीज़ें उसके पास हो, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से डिमांड नहीं करता है और बिना उनसे पूछे और बिना उनके जवाब का इंतज़ार किए अपनी इच्छा को दबा करके आगे बढ़ जाते हैं। इससे मैंने पहले आपको बताया कि कुछ चीज़ें उसने मांगने की कोशिश करी तो उसके पेरेंट्स ने उसको नहीं दिलवाई, इसलिए इस बार वो बिना उनके रिप्लाई के आगे बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने पेरेंट्स से बिछुड़ जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है मेले के अंदर, वो सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट्स से। और जब वो सेपरेट होता है, वो देखता है अपने चारों तरफ कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं देख पाता है, ही वॉज नॉट एबल टू सी हिज पेरेंट्स, देन ही थॉट के आई हैव बीन लॉस्ट, आई एम लॉस्ट नाउ, व्हाट आई डू, अब मैं क्या करूँ। तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। उसको रोता हुआ देख करके एक इंसान वहाँ पर आता है मेले, बहुत सारी भीड़ में से कोई एक उसको देखता है और उसको पूछता है उससे कि वाई आर यू वीपिंग, वाई आर यू क्राइंग। तो वो रिप्लाई करता है कि आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। तो उससे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, आपको कुछ खाना है, कुछ मिठाई, स्नैक्स कुछ। तो वो एक ही बात को जो है वो बार बार रिपीट करता है और वो लाइन थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई फादर एंड आई वॉन्ट माई मदर, दो ही बातों को रिपीट करता रहता है। तो और उसको जितनी चीज़ें पहले लाइक थी, जो चाहता था कि मुझे मिले, उनमें से कोई भी चीज़ अब उसको पसंद नहीं थी।
और इस तरीके से वो बार बार क्राइंग क्राइंग का सीन वहाँ पर चलता रहता है, और एक ही लाइन हमें बार बार लास्ट में कुछ सेंटेंसेस में सुनने को मिलती है कि कैसे वो हाउ ही वॉज फॉन्ड ऑफ हिज फादर एंड मदर, और अब उसको कोई भी चीज़, ना उसको स्वीट चाहिए, ना उसको बलून चाहिए, ना टॉय चाहिए, ना फ्लावर चाहिए, अब उसको कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं थी, या किसी भी चीज़ में ये भी कह सकते हैं कि अब किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं था। क्यों नहीं था, ये एक सवाल है, और वो था जो क्वेश्चन है, ये है इस चैप्टर की वैल्यू बेसिकली। तो वैल्यू क्या है यहाँ से, इस चैप्टर की वैल्यू हमें क्या देखने को मिलती है कि कैसे किसी भी बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और पेरेंट्स के बदले में अगर बदला कर लिया जाए कि या तो आपको पेरेंट्स के साथ मिलना है या फिर आपको चीज़ें दी जाएंगी, तो वो अपने पेरेंट्स को ही चूज करते हैं, ऐसा हमें इस कहानी में बताया गया है, जब वो बार बार अपने फादर और मदर से मिलने की जो है वो उन्हीं सेंटेंसेस को रिपीट करते रहता है। तो क्वेश्चंस जो इसके अंदर बनते हैं वो ये बनते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं। तो आप जब टेक्स्ट को पढ़ेंगे, मैंने इन ग्रुप्स में डाली भी हुई है जहाँ जहाँ ये वीडियो गई, जिन ग्रुप्स के अंदर अगर 9th क्लास के स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं वीडियो, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन इसमें और बनते हैं जैसे कि पहले जो चीज़ें उसको पसंद थी अब वो उसको क्यों पसंद नहीं है, तो वो भी आपको टेक्स्ट के अंदर ईजीली मिल जाएगा। तो जैसे आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है इस बुक की, इस चैप्टर की बेसिकली, तो टेक्स्ट के अंदर आपको इन सब क्वेरीज का आंसर जो है वो आसानी से मिल जाएगा। तो अभी के लिए आप जो है उनको ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू, और इसको इमेजिन कर रही है कि कभी आपके साथ ऐसा हो तो क्या हो सकता है, या कभी आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा हो तो उसके बिहेवियर में और इस बच्चे के बिहेवियर में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, क्या आप भी ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई शुड वॉन्ट टू बेसिकली कंक्लूड इन माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।